लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियों की रवानगी, स्ट्रांग रूम व मतगणना का कार्य कराया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नामित सामान्य प्रेक्षक किशोर कुमार, पुलिस प्रेक्षक उमापति जामवाल, जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रेक्षक ने जिला प्रशासन द्वारा अब तक की गई तैयारियों का बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेक्षकों को स्ट्रांग रूम व मतगणना को लेकर अब तक की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों विधानसभाओं के लिए अलग अलग स्ट्रांग रूम व मतगणना हॉल तैयार कराए जा रहे हैं। सभी जगह आवश्यकता अनुसार बैरिकेडिंग लगाई जाएगी। स्ट्रांग रूम, पोलिंग पार्टियों की रवानगी तथा मतगणना आदि सभी कार्यों को CCTV कैमरे की निगरानी में संपन्न कराया जाएगा। वाहनों की पार्किंग तथा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, प्रभारी अधिकारी कार्मिक अनुभव सिंह, अपर जिलाधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमरेंद्र वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव, उप जिलाधिकारी भिनगा पीयूष जायसवाल, उप जिलाधिकारी अरुण कुमार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में बारीकी से निरीक्षण किया गया। सामान्य प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक ने स्ट्रांग रूम, पार्टी रवाना स्थल व EVM बियर हाउस का निरीक्षण कर जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 25 मई को मतदान होना है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सभी तैयारियां चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं।